हे गाइस, मेरा नाम विनय है। ये जो वीडियो मेरी, ये हमारा सिनोनियम है एंड ये आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका DSSB हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो देखना। और अभी हमारे कराए हुए काफ़ी सारे सिनोनियम रिपीट हो रहे हैं, आपको एग्ज़ाम को देख के पता चल ही रहा होगा, तो अच्छे से इन चीज़ों को बारीकियों से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है पोच। पोच मतलब होता है भाई मेरे, पोच मतलब होता है शिकार करना, हंट करना। और इसी वर्ड से बनता है क्या? इसी वर्ड से बनता है पोचर। पोचर का मतलब होता है हंटर, शिकारी, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कैच का मतलब होता है पकड़ना कोई, कि कैच करना, बॉल को कैच कर लिया। हंट का मतलब क्या हो गया? शिकार करना। ये आपका आंसर है। आगे बसन में प्लंडर का मतलब क्या होता है? प्लंडर का मतलब होता है जब कोई, जैसे कहते हैं ना प्लंडर हो गया वहां पर, प्लंडर मतलब जब वहां पर क्या हो गई, वहां पर लूटपाट हो गई, लूट पार्ट को बोलते हैं प्लंडर, ठीक है। देखो प्रीच का मतलब क्या होता है? प्रीच का मतलब क्या होता है कि कोई टीचिंग्स, कोई टीच करना, किसी चीज को टीच करना। ज्यादातर वर्ड यूज होता है रिलीजियस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, प्रीचिंग की टीचिंग देना रिलीजियस कंसर्न के लिए, ठीक है, प्रीच करना। प्लंडर मतलब लूट पार्ट। पोच हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है रिपार्टी। रिपार्टी मतलब होता है क्लेवर रिप्लाई। जैसे कोई बंदा होता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, तो वो रिप्लाई बहुत जल्दी देता है। जैसे आपने कोई बात बोली, वो तुरंत रिप्लाई देगा, तो क्या हो गया? क्विक। विटी मतलब तुरंत, क्लेवर रिप्लाई तुरंत, बहुत ही अच्छे ह्यूमरस वाले रिप्लाई, बहुत ही अच्छे ह्यूमरस वाले रिप्लाई, क्विक विटी रिप्लाई। तो आंसर हो गया रिपार्टी, मतलब तुरंत आंसर देना, क्विक विटी रिप्लाई। सेलिब्रेट क्वेश्चन, रेफ्यूज का मतलब आपको पता ही है। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्ट का मतलब होता है कि अपनी बात मनमनाना, किसी को क्या करना, किसी को परसुएड करना, ठीक है, किसी को एंकरेज करना कि भाई वो कोई काम करे। टू परसुएट और टू एंकरेज समबडी टू डू समथिंग, किसी को परसुएट करना, एंकरेज करना कुछ काम करने के लिए। आंसर हो गया आपका क्या? अर्ज। रिकमेंड मतलब क्या? आपने कोई रेफरेंस दी कि भाई मैं तुझे रिकमेंड कर रहा हूँ, तेरी जॉब लग जाएगी, टेंशन मतलब, तो रेफरेंस देना। पुश मतलब धक्का देना। कोक्स, कोक्स का मतलब ये होता है परसुएट करना, मतलब किसी को क्या करना, फ्लैटर करके कुछ करके अपनी बात मनमनाना। तो देखो डायरेक्ट आंसर होता है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है कोई काम करने के लिए अर्ज करना, ठीक है, एंकरेज करना, परसुएट करना, मनाना, तो ये एग्जैक्ट आंसर जा रहा है। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो कोक्स जाता, कन्फ्यूज मत होना, अर्ज ही आंसर है इसका, ठीक है। एग्जॉर्ट का मतलब परसुएट करना, एंकरेज करना कोई काम करने के लिए। नेक्स्ट देखो ल्यूरिड। ल्यूरिड मतलब होता है मेरे भाई कि कोई बंदा क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया। ल्यूरिड मतलब होता है शॉक्ड, शॉकिंग, ल्यूरिड शॉकिंग। अबेंडेंट मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल, कि भाई ये मेरे पास बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, तो क्या है? अबेंडेंट है, प्लेंटीफुल है, बहुत ज्यादा है। हैप्पी क्या होता है? हैप्पी का वर्ड अगर हम बोले कि हैप्पीनेस से रिलेटेड, तो हम बोल सकते हैं ब्लिस, BLISS, ब्लिस, ठीक है। ये है PLENTIFUL। प्लेंटीफुल मतलब होता है बहुत ज्यादा, सफिशियंट मात्रा में, काफी ज्यादा। अबेंडेंट मतलब फुल इन क्वांटिटी, ठीक है। ब्लिस का मतलब हैप्पी, हैप्पीनेस। एक वर्ड हम और बोल सकते हैं क्या? एक्सटेसी, ECSTACY। एक्सटेसी मतलब ही फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये ध्यान रखना। फैमिलियर मतलब क्या होता है? जैसे भाई ये टॉपिक है, मैं इस टॉपिक से फैमिलियर हूँ, मतलब ये टॉपिक से मैं क्या नोन हूँ, मुझे मालूम है इस टॉपिक के बारे में, मैं इस चीज़ से फैमिलियर हूँ, मतलब वेल नोन। रिलेटिव का पता ही है आपको, इसे पता ही है, ल्यूरेट का शॉकिंग था, ठीक है। कॉमन पता ही है। अब देखो स्टबन, स्टबन मतलब क्या होता है? स्टबन मतलब होता है अड़ियल, दिमाग का, जिद्दी। इसे आप बोल सकते हो क्या? इसे आप बोल सकते हो एडमेंट, ADAMANT। आप इसे बोल सकते हो ऑब्स्टिनेट। ये सारे वर्ड में वही है मेरे भाई जो पेपर में बार बार आते हैं, ऑब्ड्यूरेट, स्टबन, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? डेजर्ट। पहले तो क्लियर कर लेते हैं कुछ चीजें। एक होता है आपका ये डेजर्ट, इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है भाई? रेगिस्तान, ठीक है। एक होता है आपका क्या? ये डेजर्ट, DE, इसी में डबल एस आ जाएगा। इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जो खाने के बाद मिठाई खाई जाती है ना, स्वीट डिश, स्वीट डिश, उसे बोलते हैं। वेस्ट लैंड का मतलब होता है अनफर्टाइल लैंड, उपजाऊ जगह, उपजाऊ नहीं है जगह, मतलब, ठीक है ना। और अबेंडन का मतलब आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है फोरसेक करना। अबेंडन का मतलब होता है कोई पोजीशन है, उसको आपने क्या किया है, उस पोजीशन को आपने एबडिगेट कर दिया है, वो पोजीशन आपने क्या कर दिया, त्याग दिए,
तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, डेजर्ट DESERT मतलब रेगिस्तान, ठीक है। अब इसी में अगर एक और एस लग गया तो क्या होता है, DESSERT, वो क्या हो गया आपका, ये डेजर्ट का मतलब हो गया मिठाई, जो आपको क्या होता है, जो आपकी बाद में खाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो एक होता है हमारा गया, इसी में मैं ये लगा दूं डेजर्टेड, इस लिखा आएगा डेजर्टेड प्लेस, तो इसका मतलब समझ जाना जहां पे कोई इंसान ना रहता हो, वीरान हिंदी में से बोलते हैं वीरान जगह। आगे सुन, ब्रॉथ का मतलब क्या होता है, ब्रॉथल से कंफ्यूज मत होना, इस ब्रॉथ का मतलब होता है सूप, वेजिटेबल्स वगैरह चिकन की हड्डी वड्डी ये सब डाल के सूप बनाना, ठीक है। एफिलिएट मतलब क्या होता है, आई एम एफिलिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, एफिलिएट का मतलब होता है कि भाई किसी संगठन के साथ जुड़ना, एसोसिएशन बनाना, एसोसिएट होना, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है भाई किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, उस चीज को बहुत अच्छे से क्या करना, क्लियर करना। कॉशियस मतलब होता है सावधान, कॉशियस मतलब क्या होता है, सावधान, विजिलेंट होना, कॉशियस मतलब विजिलेंट होना, मतलब वेरी होना, WARY, ध्यान रखना, जो बंदा कॉशियस है, कॉशन रखता है, सावधान रखता है, VIGILANT, WARY, वेरी, वो बंदा क्या होता है, ये बंदा बिल्कुल अलर्ट है, ये बंदा फुली अटेंटिव है, तो इसका मतलब होता है कॉशियस, ठीक है। सॉरी एक्सप्लिसिट का मतलब एक्सप्रेस, क्लियर करना, इसका आंसर हो जाएगा क्लियर, ओके। कॉशियस का मतलब बता दिया मैंने आपको, ऑब्वियस का मतलब जो चीज होगी होगी ऑब्वियस यार ये तो। एक्सऑर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, जैसे मैं बोलूँ ये तो यार ये तो एक्सऑर्बिटेंट प्राइसेस है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यार जितना प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा है, एक्सेसिव प्राइस। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंट, डिलीजेंट का क्या मतलब होता है मेरे भाई, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट को ही हम बोलते हैं क्या, लेबोरियस, और इसके लिए हम एक ईडियम भी यूज करते हैं, क्या ईडियम यूज करते हैं हम, बर्निंग मिडनाइट ऑयल। तो क्या होता है डिलीजेंट का मतलब लेबोरियस, लेबोरियस मतलब जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ध्यान रखना। अच्छा ऐसे याद रखते हो डिलीजेंट है ना, DILIGENT, इसको याद करने का तरीका बताओ, ये पढ़ो दिल्ली के जेंट्स, डेलीजेंट को ऐसे पढ़ो, डेलीजेंट को दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं, वैसे तो कामचोर होते हैं, ठीक है, मैं भी दिल्ली का ही हूँ, हंसना मत, बाकी दिल्ली जेंट मतलब डेलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स ऐसे याद करते हो कि दिल्ली के जेंट बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। और लेबोरियस को कैसे याद रखोगे, लेबोरियस का मतलब हार्ड वर्किंग, की जो लेबर होती है, लेबर क्या करती है भाई, बहुत ज्यादा मेहनती होती है, ठीक है। अच्छा लेबर कहाँ पे काम करती है, लेबर काम करती है कहाँ पर, लेबर काम करती है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनती, लिख लेना। इन्फीरियट मतलब होता है भाई भड़काना, गुस्सा दिलाना, एंग्री करना। एनरेज का मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है ना, तो एनरेज का मतलब वो ये थ्रेटन, डराना, नीचा दिखाना, बर्न, जलाना, तो ये चीजें ध्यान रखना। इवोक्ड, EVOKED, इवोक्ड मतलब क्या होता है, इवोक्ड मतलब होता है, सिंपल है, किसी चीज को रिमेम्बर करना, किसी चीज को रिमेम्बर करना, याद आना, किसी चीज की याद दिलाना, तो क्या है, कॉल्ड फोर्थ करना। संबंध क्या होता है, ये आंसर हो जाएगा, संबंध क्या होता है जब आपको क्या हो, टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब जैसे आपका कोर्ट से, याद रखना कोर्ट संबंध भेजता है, कोर्ट बुलाता है लोगों को अपने पास, ठीक है, तो कोर्ट क्या होता है, घर में आपका संबंध भेजता है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखो, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है फ्लैबरगेस्टेड, फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है भाई इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुत चक्का हो जाना, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाना अचानक से, या क्या हो जाना, शॉक्ड हो जाना, और इसी का आपका वो होता है सिनोनियम, उसे कहते हैं डंबफाउंडेड, अचानक से सरप्राइज हो जाना, अचानक से बहुत चक्का हो जाना, ठीक है। एम्बैरेस का मतलब क्या होता है, एम्बैरेस का मतलब होता है शाय फील करना, ठीक है। स्केयर, एम्बैरेस का मतलब शर्मिंदा होना, आपने कोई काम करा तो आप शाय हो रहे हो, आप शर्मिंदगी फील कर रहे हो, ठीक है। स्केयर का मतलब क्या होता है, स्केयर का मतलब होता है मेरे भाई, स्केयर का मतलब होता है डरना, ठीक है। स्केयर का मतलब क्या है, स्केयर का मतलब डरपोक, डरा हुआ, स्केयर्ड है ये, बहुत ज्यादा स्केयर्ड है। ईडी लग रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगी। डंबफाउंडेड का मतलब क्या, बहुत चक्का हो जाना, मतलब फ्लैबरगेस्टेड हो जाना। ह्यूमिलिएट मतलब किसी को क्या करना, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, किसी को कंटेम्प्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, कंडेम करना, ठीक है ना। एम्बैरस का भी पता चल गया आपको मतलब।
फिल्मसी का मतलब क्या होता है? फिल्मसी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, ऐसी चीज वो डेलिकेट है, बहुत ज्यादा क्या है, नाजुक है, वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वीक है, डेलिकेट है, फ्रेजाइल है, FRAGILE, जो चीज बहुत ज्यादा डेलिकेट हो, फ्रेजाइल हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो पहले इसको देखो, फिल्मसी मतलब कोई चीज क्या है, वीक है, बहुत ज्यादा क्या है, डेलिकेट है, कमजोर है भाई, फ्रेजाइल है, मतलब ऐसी टूट जाएगी ये तो, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग पता है आपको, जस्टिफाइड पता है, जस्टिस से रिलेटेड जस्टिफाइड। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कोई कार्य करना, यार ये बहुत इम्पल्सिव इन नेचर है, बिना सोचे समझे क्या करता है ये, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, आ रही बात समझ में, तो उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम इम्पल्सिव। ये कुछ चीजें हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आप क्या कर सकते हो, इम्पल्सिव का मतलब आप देख सकते हो, लाइकली टू एक्ट सडनली, जो बहुत जल्दी काम करता हो, रेकलेसली काम करता हो, विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग, तो ये चीज ध्यान रखना। गैरिश का मतलब क्या होता है, गैरिश का मतलब मेरे भाई होता है बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव, बहुत ज्यादा ब्राइट, ब्राइट होता है ये, चमकीला, भड़कीला, बहुत ज्यादा चमकीला, कुछ ज्यादा ही, वेरी ब्राइट, इतना ज्यादा होता है कि ना इसे हम ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा अनप्लेजेंट है भाई ये, अनप्लेजेंट ब्राइट, मतलब इतना ब्राइट नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही चमकीला, तो उस चीज को हम बोलते हैं गाउडी, GAUDY। कंफ्यूज्ड के वर्ड्स देख लो, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या करना, बैफल हो जाना, बैफल मतलब कंफ्यूज हो जाना, और इसके लिए हम एक वर्ड बोलते हैं एट सी, एट सी एक इडियम है, मुहावरा, एट सी, एट सी का मतलब होता है भाई, जैसे मैं बोलूँ आई वॉज एट सी, भाई उस टाइम पे मैं एट सी का मतलब समुंदर में नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन में जिसमें कुछ समझ में ना आए। इम्प्लीकेबल मीन्स, इम्प्लीकेबल मतलब होता है ऐसी चीज जिसे बदला ना जा सके, इम्पॉसिबल टू चेंज, चेंज नहीं हो सकता है ये, मतलब अनअपीजेबल, जो चेंज ना हो सके, ठीक है। डेंजरस आपको पता है, करेजियस पता ही है आपको, बोल्ड, ब्रेव, और एक वर्ड और होता है क्या, ऑडेशियस, AUDACIOUS, जब आप पढ़ोगे ना कोर्स में, जब पढ़ोगे मेरे से ऑनलाइन वाले में जो बता रहा हूँ, वो कैप का, सिर्फ वो कैप के सेशन है जो 500 में दे रहे हैं, उसमें देखो मैं क्या क्या कराता हूँ आपको, आप खुद ही हैरान हो जाओगे। और फीस मैंने इतनी कोई ज्यादा नहीं रखी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखो, कभी भी ऐसी नॉलेज मैं NGO वगैरह में भी पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर क्या है कि ना डेप्थ में नॉलेज मिल रही है, अच्छी बोल रही है, तो मैंने सोचा एक स्टार्टअप करते हैं बढ़िया तरीके से, एक बार हमने पहले भी किया था बट SSC को लेके किया था, तो आपकी ये जो चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कुछ फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधा हम मुद्दे पे आएंगे। इंडिक्ट मतलब क्या होता है, इंडिक्ट मतलब किसी को, पहले तो इन वर्डों के मतलब देखो, एंट्रैप मतलब ट्रैप से ध्यान रखना है, एंट्रैप मतलब होता है किसी को फंसाना, ट्रैप कर लेना, ठीक है। इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब देखो, इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब आप ध्यान रखो, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन आइडिया और बिलीफ दे एक्सेप्ट विदाउट क्रिटिसिज्म और क्वेश्चन, मतलब क्या, दोबारा देखो, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन आइडिया, आप सिंपल ध्यान रखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भावना, बस इंडॉक्ट्रिनेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है भावना, ठीक है। और आपका इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, इंड्यूसमेंट का होता है कि भाई किसी को कुछ करने के लिए क्या करना, कि कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ना, इंड्यूस करना, ठीक है। समथिंग डेट इज ऑफर टू समबडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ आगे करने के लिए क्या, परसुएट करना, ठीक है। अब इंडिक्ट का मतलब क्या है, इंडिक्ट का मतलब होता है दोष लगाना, किसी को क्या करना कि भाई ये गिल्टी है, क्राइम को दोष लगाना, मतलब एक्यूज करना, एक्यूज करना। इंडिजेंट मीन्स, इंडिजेंट मतलब होता है क्या, इंडिजेंट मतलब होता है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जो पर्सन क्या हो, बहुत ही ज्यादा नीडी हो, गरीब हो, पुअर हो, इसी से वर्ड बढ़ता है इंडिग्नेंट, उसी को कहते हैं पॉवर्टी। गिल्टी विल्टी सब आपको पता ही है, देखो गिल्टी, ठीक है ना। इनोक्यूस मतलब क्या होता है, इनोक्यूस का मतलब होता है कि भाई ये बंदा क्या है, बड़ा ही सीधा साधा है, तो इससे क्या होगा, नॉट हार्मफुल, ये बंदा हार्मलेस है, ठीक है,
ये बंदा क्या हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना। तो हार्मलेस आपका क्या आंसर हो जाएगा। एबोमिनेबल मतलब, एबोमिनेबल मतलब इन अ बैड कंडीशन, अनप्लेजेंट कंडीशन में, बहुत ही घटिया कंडीशन में, बहुत बुरी हालत में, अनप्लेजेंट कंडीशन एबोमिनेबल। इनंडस, इनंडस मतलब क्या होता है, इनंडस मतलब होता है मेरे भाई कि किसी को क्या करना, किसी को कोई बात इनडायरेक्टली बोलना। अच्छा वर्ड है, इनंड्यू से बना है। इनंडस तो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, इनंडू मिलेगा यहां तक बस। अब देखो आपको क्या है, इसको ना आप क्या कर रहे हो, किसी बंदे को कोई बात बोल रहे हो इनडायरेक्टली, और क्या कर रहे हो, इशारों से बोल रहे हो, मतलब इशारा करना, ठीक है, एक्शन करना, इशारा करना। इंसिनुएशंस मतलब होता है इशारा करके कोई बात बोलना, ये आंसर है आपका। विटी रिमार्क्स मतलब क्लेवर रिप्लाइज, क्लेवर चीजें बोलना, ठीक है ना, विटी मैंने आपको बताया। इंडिकेशन मतलब कुछ इंडिकेट करना, इंडिकेट से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ही होता है डायरेक्ट इशारा करना। तो इंडिनोनिस मतलब इनडायरेक्ट टॉक, इशारा करके कोई बात बोलना, ठीक है। इंसोलेंट मतलब होता है भाई रूड, नॉट रिस्पेक्टफुल, बहुत ही ज्यादा इंसोलेंट है मतलब इंसल्टिंग है, रूड है, बदतमीज है, नॉट रिस्पेक्टफुल मतलब इंसल्ट करना। वॉयलेंट आपको पता ही है, पोलाइट पता ही है। फ्रिवोलस मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। फ्रिवोलस मतलब होता है क्या, आपका जो बंदा किसी चीज को क्या है सीरियसली नहीं लेता, ठीक है। सिली, हर चीज को मजाक में लेना, नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना, नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली। तो आज हमने 20 वोकैब कर ली, ये 1 2 3 4 इतने सारे वर्ड हुए, थोड़े बहुत मैंने आपको बताया। तो ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 है हर चार ये डिस्कस करे ऑप्शन तो 80 हो गए, नहीं नहीं, मैं ये बोलूंगा हमने 20 वोकैब थी ना, तो मेरे भाई इस वीडियो में कम से कम हमने 30 वर्ड तो पढ़े होंगे, अच्छे से चीजें समझी होंगी। तो ये सारा कंटेंट्स है हमारा जो हम दे प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, जो क्वालिटी वर्क है। बस थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, कमेंट करना, ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करना, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है। उतनी ही जल्दी मैं वीडियो लगाऊंगा, क्या होता है मेहनत लगती है ना, तो अच्छा लगता है फिर ये। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अब जो वीडियो आएगी वो आएगी ईडियम्स के ऊपर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।